हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जस्ट अ क्विक थॉट, बाय द वे आई एम इन माय ब्रांड न्यू BMW, हैविंग फन ड्राइविंग. ऑसम कार, नाइस ड्राइविंग एक्सपीरियंस. सो गाइस, आई वाज इन अ वर्कशॉप द अदर डे. 3 दिन पहले एक वर्कशॉप में था एंड किसी ने मुझसे आके एक सवाल पूछा कि सर, व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग एक नेटवर्क मार्केटर को आगे ले जाने के लिए, क्या आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक इंसान को एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटर बना सकता है या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकता है या बिजनेसमैन बना सकता है. सो दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड इन माई सो मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विथ नेटवर्क मार्केटिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉट आई हैव लर्नड इज दैट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा एंड कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होने वाली है. हमको लर्न करते रहना पड़ेगा हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस से एंड वो एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करना पड़ेगा हमारे बिजनेस में. लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो ओवरनाइट करोड़पति बनना चाहते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू, विच डजेंट हैपन. अगर ऐसा कोई एग्जांपल है भी तो आपने देखा होगा कि बहुत जल्द वो पूरा बिजनेस जो उन्होंने खड़ा किया होगा वो एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया होगा. सो बेसिकली इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरी वेयर दिस थिंग इज परसिस्टेंट. आपको समय लगेगा. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैरिज फॉर इंस्टेंस. एक शादी में एक हस्बैंड वाइफ को भी कुछ साल लगते हैं एक दूसरे को समझने में, उनके बारे में जानने में, उनके नेचर को पहचानने में. वैसे ही है हर जगह. आप एक जॉब में जाते हैं एंड यू आर नॉट काइंड ऑफ कम्फर्टेबल द फर्स्ट डे यू गो. इट टेक्स टाइम, महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर लगता है आपको लोगों के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करने में एंड दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द एनवायरमेंट, द एटमोसफियर एंड उसके बाद आपकी ग्रोथ होती है. एंड ट्रू, दिस सेम थिंग इज़ ट्रू विद नेटवर्क मार्केटिंग. लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं कि ओवरनाइट वो लोग बन जाएंगे करोड़पति, ओवरनाइट उनका बिजनेस बूम करना शुरू हो जाएगा एंड विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. बेसिकली देर इज़ अ 10,000 hour रूल, वॉट आई गेस अप्लाइज टू नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो. मतलब कहने का ये है कि 10,000 घंटे आपको पहले देने होंगे इस बिजनेस को एंड ट्रूली देने होंगे. यू हैव टू गिव टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, यू हैव टू गिव टाइम इन लर्निंग द बिजनेस, यू हैव टू एक्सपीरियंसेस, यू हैव टू गेट एक्सपीरियंस अबाउट द ऑड्स एंड गुड्स ऑफ द बिजनेस. ये सारी चीज़ को आप इकट्ठा करके मिनिमम आपको 10,000 घंटे देने होंगे. मे बी इट कम्स अराउंड 5 years, 5 साल आपको देना होगा एंड 5 साल के बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ी आपके सक्सेस की. सो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट द टाइमिंग. यू हैव टू गिव टाइम. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मैजिक टू हैपन विद इन 3-5 months. इट विल टेक टाइम. सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू. और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है कि लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं. उनको लगता है कि मैंने 2-3 महीना काम किया एक कंपनी में और कुछ नहीं हुआ तो मैं दूसरी कंपनी बदल लूँगा, फिर उसके बाद 2-3 महीना वहाँ पे बिताने के बाद तीसरी कंपनी में चले जाऊँगा, चौथी कंपनी, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग द कंपनीज एंड विच इज़ नॉट राइट. एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. एक पिता ने अपने 16-17 साल के बेटे को उसके बर्थडे पे कार खरीद के दी. बच्चा बहुत एक्साइटेड था, वाओ न्यू कार, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा. और उस पिता ने उस बच्चे को एक ब्रांड न्यू कार दे दी. कार देते ही वो बच्चे ने कार की चाबियां ली, अकेला बैठ गया ड्राइवर सीट पे, इग्निशन ऑन, जूम, जाके ठोक दिया. एक पोल में जाके उसने ठोक दिया
कार स्मैश हो गई, उसको भी थोड़ी बहुत चोटें आई। वापस आया घर, डैड को कहा, डैड कार को मैंने ठोक दिया है। डैड कहता है, डोंट वरी किड, आपके लिए मैं दूसरी कार ला के दूंगा। दूसरी कार उसके फादर ने ला के दी, ये बार ऑटोमेटिक कार थी जो और स्पीड में जाती थी, और बढ़िया उसका जो इंटीरियर्स था उसके लुक्स बहुत शानदार थे, ऑटोमेटिक थे, गियर्स मैनुअल गियर्स की ज़रूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक। वो लड़के ने फिर से वही काम, बहुत एक्साइट हो गया, नाउ न्यू कार, वाओ। लिया उसने चाबी, इग्निशन ऑन, बैंग ऑन द थ्रॉटल, ज़बरदस्त स्पीड से निकला, जाके किसी के घर की दीवारों के अंदर घुस गया। सारे गार्डन के जो फूल थे तितर बितर हो गए, पूरा इंजन तबाह हो गया, नष्ट हो गया, धुआं निकलने लग गया। अगेन सेम स्टोरी, एक नई कार ली, जाके उसने ठोक दी। फिर से डैड के पास गया, डैड मैंने तो कार ठोक दी। डैड ने कहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपको इससे बेहतर और ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी वाली कार ला के दूंगा। उन्होंने फिर से एक बहुत ही बेहतरीन, उससे भी हाई वर्जन वाली, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स वाली, एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी वाली, 8-10 एयर बैग्स वाली गाड़ी उनको ला के दी। बच्चे ने फिर क्या किया, सेम चीज़, गाड़ी में चाबी लगाई, बैंग ऑन द थ्रॉटल, थ्रॉटल प्रेस किया, एंड ही गोज एंड हिट्स द वॉल ऑफ अनदर नेबर। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इज़ द प्रॉब्लम विद द कार? कार के साथ द प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज़ विद द ड्राइवर। ना उसको एक्सपीरियंस है, ना उसको किसी ने सिखाया है कि कार को कैसे चलाया जाता है, कैसे क्लच दबाया जाता है, कैसे गियर को चेंज किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर। सो नाउ व्हाट, सो नाउ द प्रॉब्लम इज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कार, द प्रॉब्लम इज विद द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार। उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसने सीखा नहीं है कि कार को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे कार को पार्क करना है, कैसे कार को धीरे से आगे बढ़ाना है, कैसे फर्स्ट गियर सेकंड गियर, कैसे थ्रॉटल को प्रेस करना है, कैसे ब्रेक्स अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ उसको नहीं पता थी। सेम इज़ विथ अस, जब हम नई कंपनी में जुड़ते हैं तो हमें समय देना पड़ेगा, हमें सीखने पड़ेगा कि कहाँ पर हमको काम करना है, कैसे हमें इनवाइट करना है, कैसे हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे हमें रिटेलिंग करनी है, कैसे टीम बिल्डिंग करनी है। सारी चीज़ें वैसे ही है जैसे एक कार को चलाना हमें सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, द प्रॉब्लम इज वॉज नॉट विद द कार, द प्रॉब्लम इज वॉज विद द ड्राइवर। सो आई होप दिस मैसेज गोज ऑन टिल योर हार्ट, टू योर हार्ट, एंड प्लीज़ गिव सम टाइम फॉर योर सक्सेस, and don't go on changing companies every month, every 2 months, 3 months, वो आपका image भी ख़राब करेगी। So thank you for watching this video, and if you like the video, आपको अगर ये video अच्छा लगा तो आप इसको like कीजिए और आपकी teams में इसको share कीजिए। नीचे एक subscribe button है, subscribe button को hit कीजिए, बाजू में एक bell icon है उसको भी आप click कीजिए, ताकि आपको regular ऐसे videos मैं जो अपलोड करूंगा वो आपको मिलते रहें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।